एक डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। आप देख सकते हैं पहले इंटीग्रल की लिमिट 0 से लेकर 27 नेचुरल लॉग 3 के स्क्वायर पे है और ये dy पे है जो आउटर इंटीग्रल। इस तरह इनर इंटीग्रल की लिमिट y ओवर 27 से लेकर नेचुरल लॉग ऑफ 3 के स्क्वायर के है और जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है वो e रेज्ड टू पावर x स्क्वायर है। तो देखिए पहले dx है फिर dy है, dx इनर मोस्ट है उसकी लिमिट ये अंदर डबल ही है, y की लिमिट्स ये आउटर मोस्ट है और वो कांस्टेंट होती है। हमेशा डबल इंटीग्रल में या ट्रिपल इंटीग्रल में जो सबसे बाहर वाला होता है इंटीग्रल उसकी लिमिट्स कांस्टेंट होती है, उससे अंदर वाले जो होगा इंटीग्रल उसकी जो लिमिट्स हैं वो बाहर वाले इंटीग्रल का जो वेरिएबल है मतलब y है वो उसके फॉर्म में होती है। करंट सिचुएशन में देखिए इसको जो आपने पहले जो कि dx पहले दिया हुआ है आपने इसको x के बाद इंटीग्रेट करना है जो कि पॉसिबल नहीं है। e रेस्ट पर x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए इसकी जो पावर का डेरिवेटिव है जो कि 2x है वो साथ होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। 2 हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं लेकिन x यहाँ पे नहीं, इसका मतलब हुआ कि इसको x के बाद इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। हमें क्या करना पड़ेगा इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए कैसे करेंगे आप देखिए हम इसमें लिखेंगे पहले x की लिमिट क्या है। x की जो लिमिट्स आ रही है वो देखिए अंदर का जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसकी जो लिमिट्स हैं वो y ओवर 27 से लेकर नेचुरल लॉग ऑफ 3 इसके स्क्वायर तक, और जो y की लिमिट्स हैं वो मेरे पास हैं जी 0 से लेकर y लेस देन इक्वल टू 27 नेचुरल स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3 में। अब मैंने जब इंटीग्रेशन चेंज करनी है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है तो x बाद में आएगा y पहले आएगा, जो बाहर वाला होगा उसकी लिमिट पे पहुंचनी चाहिए। तो इसको मैं यहां से सिंप्लीफाई करना, देखिए अगर मैं इसमें से एक नेक्स्ट स्टेप करूं और थ्रू आउट इस इनक्वालिटी को 27 से मल्टीप्लाई कर दूं ये बनेगा y लेस देन इक्वल टू 27x लेस देन इक्वल टू 27 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3 बन जाएगा। और ये जो दिया हुआ है कि जो y है वो 0 से बड़ा है, अगर मैं यहां साथ ये भी अटैच कर दूं कि 0 लेस देन y लेस देन 27x लेस देन इक्वल टू 27 और स्केयर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3 मेरे पास ये एक इनक्वालिटी बन जाएगी। यहाँ से देखिए मैं अब अगर इसके पहले तीन जो हैं एलिमेंट्स अलग कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ रहे हैं कि 0 लेस देन y लेस देन 27x ये मेरे पास बन जाएगी न्यू लिमिट्स ऑफ y जो कि ऑफकोर्स वेरिएबल x के फॉर्म में है। इसी तरह यहाँ से अगर मैं दूसरा एक और अपनी मर्जी के कंपोनेंट अलग करूँ लाइक मैं 0 ले लूँ पहले 0 लेस देन इक्वल टू और फिर मैं ये नेक्स्ट 27 x ले लूँ और फिर लास्ट वाला 27 नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर रूट और फिर इस इनक्वालिटी को 27 से डिवाइड कर दूँ थ्रू आउट ये 0 रहेगा, ये मेरे पास x बन जाएगा और लास्ट मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर बनेगा। देखिए मेरे पास ये x की भी लिमिट आ गई है क्योंकि अब x ने बाहर जाना है, बाहर आउटर मोस्ट बनेगा तो उसकी जो लिमिट्स आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट की फॉर्म में चाहिए उसी फॉर्म। अब मेरे पास ये जो न्यू बन गया है जो अब ये इंटीग्रल जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या फॉर्म बनेगी आप देखिए इसका जो बन रहा है e रेस्ट पावर x स्क्वायर, ये देखिए dx जो dx अंदर वाला सॉरी अब dy dx चेंज होगा तो ये अंदर अब dy आ गया। तो y की लिमिट्स क्या है, ये बस y की लिमिट्स मैंने निकाली है 0 से लेकर 27x तक और दूसरा जो बन जाएगा इंटीग्रल वो क्या होगा यहाँ पे वो dx हो जाना है। जो dx होगा उसकी जो लिमिट्स आ रही हैं वो कितनी बन रही है डी एक्स की जो लिमिट्स हैं वो आपकी हैं 0 से लेकर नेचुरल लॉग ऑफ 3 उसके स्क्वायर तक। अब ये मेरे पास नया बन गया इंटीग्रल जिसको सॉल्व करना अब कंपैरेटिवली आसान है। आसान इसलिए है कि अब आपको पहले y के अबाउट इंटीग्रेट करना है, जब आप y के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे तो x जो होगा वो आपका एज अ वेरी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा, लाइक ये बनेगा मेरे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 नेचुरल लॉग ऑफ 3 इसका स्क्वायर रूट और ई एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, इनर मोस्ट इंटीग्रल 0 से लेकर 27x है और इसका आ गया dy और बाकी dx इसके बाहर आ जाए। अब ये अंदर वाला इंटीग्रल इवैल्यूएट कर दीजिए, ये बनेगा मेरे पास बाहर का आएगा 0 से लेकर नेचुरल लॉग ऑफ 3 उसका स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर और जो अंदर वाला बन रहा है उसे आप इंटीग्रेट कीजिए और dy यानी 1 को इंटीग्रेट करना है तो वो y आ जाएगा कहाँ से लेकर कहाँ तक 0 से लेकर 27x तक बनेगा और जो बाहर वाला है वो मेरे पास dx
वैसे का जी आप देखिए यहाँ पे इसको इंडिकेट कर लीजिए, जीरो से लेकर नेचर लॉग ऑफ थ्री वैसे आ जाएगा, ई रेस्ट पर एक्स के वैसे का वैसे आएगा, अंदर प्लग की लिमिट अपर लिमिट 27 एक्स माइनस लोअर लिमिट जीरो है, तो जस्ट ये क्या बन जाएगी मेरे पास ये 27x आ जाएगी, 27x है और मेरे पास में डी एक्स वैसे का वैसे। अब आप इसमें क्या करें 27 वैल्यू आइए अंदर आ गया जीरो से लेकर नेचुरल लॉग ऑफ थ्री इसका स्क्वायर रूट और ये ई रेस्ट पर एक्स ओके और साथ इसके आ गया एक्स डी एक्स क्योंकि 27 में रखा एक्स पर किया और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए फंक्शन उसकी पावर ई एक्स के उसके ऊपर एक्स स्क्वायर है इसका साथ अब मौजूद है जीरो, तो अब इसको इंटीग्रेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसका जो इंटीग्रल आएगा वो जस्ट ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साथ इसकी लिमिट्स आएगी जीरो से लेकर नेचुरल लॉग ऑफ थ्री इसका स्क्वायर। और देखिए ये बनेगा मेरे पास 27/2 और इस पर प्लग कीजिए लिमिट अपर लिमिट प्लग कर दीजिए एक्स की आएगी नेचुरल लॉग ऑफ थ्री इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर क्योंकि ई एक्स स्क्वायर था माइनस ई रेस्ट पर जीरो और इसका स्क्वायर रूट ये बनेगा मेरे पास 27/2 ई रेस्ट पर स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएंगे जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ थ्री रह जाएगा और ई रेस्ट पर जीरो ये वन होता है ये बनेगा 27/2। आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन आपस में इन्वर्स है कट जाएंगे 3 रह जाएगा और माइनस 1 बनेगा 27/2 × 2 बनेगा और फाइनली इसका जो आंसर बन जाएगा वो कितना आएगा जस्ट 27। देखिए कितनी आसानी से इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो चेंज करने से हमारे पास ये